दोषारिया धोखाधड़ी करने के आरोप में आईएएस अधिकारी गौरव दहिया को गुजरात सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया था और मामले में सबूत मिलने के बाद बुधवार को गुजरात सरकार ने दहिया के खिलाफ कार्रवाई और मामले में सबूत मिलने के बाद दहिया के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। दहिया के खिलाफ आरोप लगे थे कि उन्होंने धोखाधड़ी के साथ दो शादियां की है और अधिकारी पर दिल्ली की एक महिला ने धोखाधड़ी कर शादी कर धमकाने का आरोप लगाया था। इस मामले के सामने के आने के बाद आईएएस अधिकारी दहिया ने सफाई दी थी कि उनकी उस महिला के साथ कभी शादी नहीं हुई। महिला जिस तस्वीर को दिखाकर शादी होने का दावा कर रही है वो मॉर्फ की गई है। महिला की शिकायत के बाद मामले की जांच गुजरात की गांधीनगर पुलिस को सौंपी गई थी और जांच पड़ताल के लिए गुजरात सरकार ने 5 महिला अधिकारियों की टीम भी बनाई थी। इस मामले में गुजरात सरकार को धोखाधड़ी के सबूत मिले थे, इसके बाद दहिया को निलंबित कर दिया गया था। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट और सारे सबूत गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिए हैं और गुजरात सरकार गौरव दहिया के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। जांच कमेटी में पाया गया कि दहिया शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी महिलाओं के साथ रिश्ता रखते थे। जांच कमेटी द्वारा ये बताया गया कि आईएएस अधिकारी दहिया ने आरोप लगाया है कि महिला ने उनको हनी ट्रैप के जरिए फंसाया था और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, लेकिन महिला द्वारा ये बताया गया कि उसे के साथ धोखाधड़ी के साथ शादी की गई और उसे डराया धमकाया भी गया। जांच कमेटी द्वारा की गई जांच में दहिया के खिलाफ सबूत मिले थे, लेकिन दहिया का ये कहना है कि उन्हें फंसाया गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।